हेलो फ्रेंड्स, तो आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ गया हूं मैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट लेक्चर का। ये आखिरी लेक्चर है, ये छोटा सा लेक्चर होगा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। जितना में हमने पढ़ा एल्गी के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइट, स्टेरियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में हमने जान लिया, समझ लिया, तब तो हम उनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने ब्रायोफाइट्स में देखा था, उसमें जो मेन प्लांट बॉडी थी क्या थी, इस गैमेटोफाइट थी। गैमेटोफाइट एन है ना, हैप्लोइड है, तो उसकी जो मेन प्लांट बॉडी वो गैमेटोफाइट है, और जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करती है। फिर हमने टेरिडोफाइट में देखा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट लिविंग है, ठीक है, अलग अलग अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं अलग अलग। और जो ब्रायोफाइट में था, गैमेटोफाइट तो अपना अलग जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता था, वो अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, उसे गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता था पूरे टाइम के लिए। फिर आया जिम्नोस्पर्म, उसमें दोनों आपस में रहते हैं, दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एंजियोस्पर्म में भी वही हाल। अब हम इनका लाइफ साइकिल देखेंगे, इनका लाइफ साइकिल कैसे रहा। तो तीन तरह के लाइफ साइकिल होते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर जैसे आपने देखा हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल लिखा है, हैप्लोन्टिक मतलब एन होता है, डिप्लॉइड मतलब टू एन होता है, हैप्लोइड डिप्लॉइड मतलब एन टू एन दोनों। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मतलब इसका जो लाइफ साइकिल होगा, इसमें जो एन नंबर होंगे हैप्लोइड सेल होंगे वो ज्यादा होंगे, और जो डिप्लॉइड सेल होंगे एक से एक या दो होंगे, मैक्सिमम एक या दो सेल बनेंगे उनके पूरे साइकिल में, ठीक है, उसी को हम हैप्लोइड साइकिल बोलते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आता है तो उसमें जो एन हैप्लोइड सेल होंगे वो मिनिमम होंगे, एक से दो होंगे, जो डिप्लॉइड सेल होंगे वो ज्यादा होंगे, तभी तो डिप्लॉइड सेल लाइफ साइकिल बोलेंगे, तभी तो उस चीज का नाम देंगे उसे, वो ज्यादा बार हो रहा तभी तो उस चीज को बोलेंगे, अगर कम बार होता तो नहीं बोलते, सिंपल सी बात है। हैप्लो डिप्लॉइड मतलब आधा हैप्लोइड है आधा डिप्लॉइड है, हम वही देखेंगे ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इसमें पाया जाता है, डिप्लॉन्टिक किस में पाया जाता है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक किस में पाया जाता है। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जैसे कि आपने देखा, इसमें जो एन होगा, देखो गैमेटोफाइट एन ही है, जो गैमेटोजेनेसिस होगा वो भी एन बनेगा, एन एन ये भी एन, चारों एन एन होंगे ना, चारों गैमेट है, मियोसिस करके गैमेट बनाएगा, मियोसिस का मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस अगर टू एन है तो टू एन बनेगा, मियोसिस में टू एन होगा, यहाँ पे टू एन से एन एन बनेगा, ठीक है, पर जो जाइगोट है वो टू एन होगा, केवल यही स्पोरोफाइट बनाएगा ना, जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट कैसा डिवाइड करेगा, जो कि वो स्पोरोफाइट बनाएगा, जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करेगा, मतलब इक्वेशनली डिवाइड करेगा, तो वो बनाएगा स्पोरोफाइट, ठीक है। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में पाया जाता है, एल्गी जैसे कि वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, ज्यादातर एल्गी में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। सबसे पहले हमने एल्गी पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे दिया है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जो हैप्लोइड सेल होंगे पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे साइकिल में, ये पूरा साइकिल बन रहा है, इसमें जो हैप्लोइड सेल होंगे बहुत कम होंगे, देखिए एक ही है, जो ये मियोसिस करने बाद गैमेटोफाइट बन रहा है एन एन, वही है बस, उसके बाद गैमेट बनेगा, तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगा, तो गैमेटोजेनेसिस ऐसे होगा ना, एक एन दोनों मिलके टू एन बना लेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद सिंगेमी होगा, सिंगेमी के बाद जाइगोट बनेगा, ये भी टू एन, स्पोरोफाइट भी टू एन, सिंगेमी फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फिर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा, ठीक है। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी कैसे बनाएगा, मियोसिस करके, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन करके बनाएगा, स्पोरोफाइट मियोसिस करके गैमेटोफाइट बनाया, रिडक्शन कर डिवीजन करके स्पोर बनाया, स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट फिर इक्वेशनल डिवाइजर करके स्पोर बनाएगा, फिर वहां से स्पोरोफाइट बनेगा, गैमेट बनाएगा, गैमेट गैमेटोजेनेसिस होगा, सिंगेमी होगा, जाइगोट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट, मतलब ये रही पूरी साइकिल। इस पूरे साइकिल में जो हैप्लोइड सेल है बहुत कम है, मिनिमम है, इसलिए हम इसे डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ये किसमें पाया जाता है, ये जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें भी बीज होता है, बीज किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है, सीड ओव्यूल से बनता है, फ्रूट ओवरी से बनता है, जिस भी प्लांट में सीड बने होगा उसमें डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो सीड की कौन कौन बियर करता है, जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड, एंजियोस्पर्म में सीड होता है, उसके ऊपर फल भी होता है, मतलब
कवर सीड होता है। तो यहां पर एग्जांपल आ जाएगा ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स। यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब बात आई हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। अब जैसे आपने हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल समझ लिया, डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल समझ लिया, वैसे ही हैप्लोडिप्लोइडिक मतलब आधा सेल एन होंगे, आधा सेल टू एन होंगे, मतलब हैप्लोइड भी बराबर होंगे, डिप्लोइड भी बराबर होंगे। तो ये पाया जाता है टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में आपने देखा, जो ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, वहां पे वो स्पोर बनता है, तो स्पोर जायगोट बनता है, जायगोट रिडक्शन डिवीजन तुरंत स्टार्ट नहीं करता है, तो बनाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल होता है वहां पे स्पोर बनते हैं, वो फिर डिवाइड करके फिर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट बनाता है। जो दोनों है वो इक्वल पाया जाता है, स्पोरोफाइट भी मतलब हैप्लोइड सेल भी डिप्लोइड सेल भी पूरे लाइफ साइकिल में, तो इन्हें हैप्लोडिप्लोइंटिक बोला गया। इसके एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, बता ही रख दिया मैंने। ठीक है, अब आप तो जानते ही हैं, पहले बता रखा, जो ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, वो अकेला रह सकता है, लेकिन जो उसके ऊपर स्पोरोफाइट बियर करता है वो डिपेंडेंट करता है गैमेटोफाइट पर, ये ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है, स्मॉल मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेटिक अपना खाना खुद बना लेगा, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है। जिम्नोस्पर एंजियोस्पर में दोनों गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट डिपेंड रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो यहाँ पे सीड बेयरिंग प्लांट्स है, वहां पे सीड बेयरिंग प्लांट्स नहीं है। टेरिडोफाइट्स में दो तरह के स्पोर बनते हैं, होमोस्पोरस हेटरोस्पोरस। हेटरोस्पोरस के एग्जाम्पल क्या है, सिलेजिनेला साल्विलिया अजोला मार्सिलिया। मार्सिलिया का आपने नाम सुना होगा, मनी हाइस्ट में नाम आता है। तो सिलेजिना साल्विनिया अजोला मार्सिलिया ये हेटरोस्पोरस है, यहाँ से सीड बियरिंग प्लांट बनने की स्टार्टिंग हुई थी टेरिडोफाइट्स में। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इवोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से सीड बियरिंग प्लांट स्टार्ट हुआ, तो सीड बियरिंग प्लांट किस में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जितने प्लांट है सबके सब हेटरोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म में पहले टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, लेकिन जाइलम लैक वेसल एंड फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल। ये जिम्नोस्पर्म में भी सेम कंडीशन था, जिम्नोस्पर्म में भी वैस्कुलर टिश्यू पाया गया था, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं था और फ्लोएम में कंपेनियन सेल अब्सेंट था, ठीक है। ये रहा, आपने हैप्लोइड भी देख लिया, डिप्लोइडिक भी, हैप्लोडिप्लोइडिक भी, कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं हर जगह, तो हम एक्सेप्शन लिख देते हैं यहाँ पर, आप वो देख लीजिए। एलगी हो गया, एलगी का नाम गलत लिख दिया, एलगी 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 एलगी। कुछ एलगी ऐसे भी होते हैं जो डिप्लोइडिक भी शो करते हैं, कुछ हैप्लोडिप्लोइडिक भी शो करते हैं। सारे एलगी हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल भी शो करते हैं, कुछ हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल भी शो करते हैं। हैप्लोडिप्लोइडिक कौन कौन से शो करते हैं वो लिख देते हैं, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनियम, एंड केल। ये तीनों हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, और फ्यूकस है ना लगा इस डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। फ्यूकस का जब एनसीईआरटी में डायग्राम दोगे ऐसे बना रहता ना, इसके इसके लीफ में जो लीफ लाइक होता है उसमें फोंड होता है, उसमें पाए जाते हैं एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर का काम जानते होंगे, ये पानी में डूबने से बचाते हैं, फ्यूकस में ही पाए जाते हैं। आप एनसीईआरटी का पेज खोलेगे उसमें, जिसमें एलगी के सारे डायग्राम दिए हैं,
वॉल्वक्स वीसीसी, वॉल्वक्स क्लाइरोना स्टारा, लोफिडो लेमिनेरिया, फिकस जिक्योटा, पॉलीसाइफेनिया, पोरफाइरा, इतने एग्जांपल दिए हुए हैं, इनके डायग्राम भी दिए हुए हैं। तो इसमें जो फ्यूकस है ऊपर से पांच, उसमें देखोगे आप एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होगा, होल सा बना होगा गोला गोला सा, तो एयर ब्लैडर है, ठीक है, आप इसे ध्यान से देख लेना एक बार, क्योंकि पेपर में पूछा गया था, एक बार पूछा जा सकता है एयर ब्लैडर किस एल्गा में पाया जाता है, फ्यूकस पेपर, फ्यूकस एनसीईआरटी में दिया गया तो हमें वही याद करना। फ्यूकस एल्गा डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल शो करता है, यहाँ पर हमारा प्लांट किंगडम खत्म होता है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, वीडियो पे कमेंट करिए, क्वेश्चन समझ में आया, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।